नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप लोग को लगातार टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराया जा रहा है। ये सभी टेस्ट सीरीज जो हैं, ये रेलवे एनटीपीसी या लोअर पीसीएस या यूपी टेट, सी टेट, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी या किसी भी एक दिवसीय परीक्षा के लिए रामबाण साबित होंगे आप सभी के लिए। ये विज्ञान का कुछ प्रश्न है, इसे आप अच्छे से देख लीजिए। यह टेस्ट सीरीज है और हमारे चैनल से आपने जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक करिए और ग्रुपों में शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, आइए प्रश्न पे आते हैं। यदि पदार्थ के द्रव्यमान और वेग दोनों को उनके परिमाण से 2 गुना कर दिया जाए, यदि पदार्थ के द्रव्यमान और वेग को दोनों को उनके परिमाण से 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? गतिज ऊर्जा जो हो जाएगी 8 गुनी हो जाएगी। यदि पदार्थ के द्रव्यमान और वेग दोनों को 2 गुना कर दिया जाएगा, गतिज ऊर्जा जो हो जाएगी 8 गुनी हो जाएगी। मानव शरीर में विकिरण यक्ष किरणों या वाई किरणों आदि के कारण हुई क्षति को किस में मापा जाता है? मानव शरीर में विकिरण यक्ष किरणों या वाई किरणों आदि के कारण हुई क्षति को किस में मापा जाता है? तो इसे रेड में मापा जाता है, रेड में मापा जाता है। देखिए दोस्तों, आप विकल्प भी अच्छे से पढ़ते जाइए, क्योंकि अगर हम विकल्प पढ़ेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। एक समान स्थूलता के 2 पिंडों को एक ही समय पर समान गति से मीनार की चोटी से फेंका जाता है। जब एक ही मोटाई के, एक ही भार के 2 पिंड हैं, उन्हें एक मीनार की ऊंचाई से फेंका जाता है, तो एक पिंड यक्ष ऊर्ध रूप से नीचे फेंका गया तो दूसरा पिंड वाई समतल फेंका गया, तो क्या होगा? तो दोनों जमीन पर एक समान गति ऊर्जा सहित पहुँचेंगे। आपको पता है जब एक समान ऊंचाई से फेंका जाएगा तो दोनों पिंड एक साथ गति ऊर्जा, एक गति ऊर्जा के साथ जमीन पर पहुँचेंगे। किसी कण, निम्न कण एक ही गति ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, इनमें सबसे अधिक संवेग किसका है? निम्न कण एक ही गति ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उनमें सबसे अधिक संवेग किसका है? तो यह होगा कण का, कण का। एक मकान की छत से भूमि की ओर, एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर की गति ऊर्जा कब अधिकतम होगी? देखिए, जब मकान की छत से एक पत्थर को गिराया जाता है तो पत्थर की जो गतिज ऊर्जा होगी जमीन पर पहुंचने से कुछ पहले सबसे ज़्यादा होगी। देखिए, भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले वह सबसे ज़्यादा होगी उसकी गतिज ऊर्जा। साइकिल के पहिए में प्रयुक्त दरें बढ़ाती हैं उसका जड़त्वागुण, साइकिल के पहिए में प्रयुक्त दरें बढ़ाती हैं उसका जड़त्वागुण। देखिए, जो साइकिल का पहिया होता है आप जानते हैं, उसमें दाना दाना लगा रहता है और उसमें कहीं दाना दाना लगा रहता है, आप थोड़ा बहुत उसका आकार कुछ अलग रहता है साइकिल के पहिए के सतह का, तो यह जो उसे दरें होती हैं वो क्या बढ़ाती हैं? वो जड़त्वागुण बढ़ाती हैं, जड़त्वागुण बढ़ाती हैं। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है, विकल्प देखिए, गतिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है, या ऊष्मा ऊर्जा है, या रासायनिक ऊर्जा है। तो घड़ी के स्प्रिंग में जो ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा होती है। देखिए दोस्तों, हम विकल्प नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप वीडियो को रोक करके विकल्प अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर हम इस तरह से ज़्यादा टाइम देंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सामग्री नहीं मिल पाएगी, जबकि हम चाहते हैं कि जब तक NTPC एग्ज़ाम आता है, जब तक UPSC लोअर PCS आता है, तो कुछ ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी, ज़्यादा से ज़्यादा सामग्री आप लोग को प्रोवाइड करा दिया जाए और आपकी अच्छी तैयारी हो सके, ताकि एग्ज़ाम हॉल में एक भी प्रश्न आपका न छूटे। निम्नलिखित में से केवल अदिश मात्रक क्या है? देखिए, सदिश मात्रक क्या होता है? सदिश मात्रक जो होते हैं बल, विस्थापन, त्वरण, वेग, संवेग, आवेग, यह सब सदिश मात्रक होते हैं। तो लिख रहा है अदिश मात्रक चुनिए, अदिश मात्रक जो होगा आपका ये होगा ऊर्जा, ऊर्जा जो होगा अदिश मात्रक होगा। देखिए, इसमें आघूर्ण भी आएगा, बल आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण, ये भी सदिश में आ जाएंगे, तो ऊर्जा जो होगा अदिश होगा। चाल, दाब, द्रव्यमान, ये भी अदिश हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस मामले में गतिज ऊर्जा का प्रयोग कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किस मामले में गतिज ऊर्जा का प्रयोग कम करने के लिए किया जाता है? जब कोई वस्तु गति अवस्था में हो तो उसकी गति को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कुछ दूरी तय करने के लिए साइकिल के पैडल चलाना, यही गतिज ऊर्जा को कम करने का एक उदाहरण है। पानी की एक बाल्टी को केवल एक हाथ में ले जाने के बजाय 2 बाल्टियों को अलग अलग दोनों हाथों में ले जाने से आसान होता है, क्योंकि? सारे ऑप्शन पढ़ लीजिए आप लोग। इसमें जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी होगा गुरुत्व केंद्र
और संतुलन केंद्र के पैरों में होता है। यही ऑप्शन सही होगा। किसी धातु को चालक सामग्री के रूप में प्रयोग करने के लिए निम्न में से कौन सी कसौटी अपनाई जाती है? किसी धातु को चालक सामग्री के रूप में प्रयोग करने के लिए निम्न में से कौन सी कसौटी अपनाई जाती है? तो इसमें जो कसौटी अपनाई जाती है वो अधिक विशिष्ट ऊष्मा अपनाई जाती है। ठीक 0 डिग्री सेल्सियस पर कटोरी में रखे बर्फ और पानी में क्या परिवर्तन आएगा? ठीक 0 डिग्री सेल्सियस पर कटोरी में रखे बर्फ और पानी में क्या परिवर्तन आएगा? ऑप्शन आप पढ़ लीजिए, सारा बर्फ़ पिघल जाएगा, सारा पानी बर्फ बन जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा, थोड़ी सी बर्फ़ पिघल जाएगी। तो इसमें जो है ऑप्शन सी है, जब ठीक 0 डिग्री सेल्सियस पर कटोरी में बर्फ़ भी रखा गया है और पानी भी रखा गया है तो उन दोनों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। निम्न में से किसमें संवहन होता है? तो संवहन प्रक्रिया है, यह ठोस की प्रक्रिया नहीं है, केवल द्रव और गैस की प्रक्रिया है संवहन। वह पिंड जो ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है निम्नलिखित में से कौन सा गुण वाला भी होता है? अच्छा परावर्तक, पूर्वानुमान संभव नहीं, अच्छा विकिरण या बुरा विकिरण? तो यह होगा ऑप्शन सी। थर्मामीटर में आमतौर पर पारे का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, थर्मामीटर जिसमें फीवर मापा जाता है व्यक्ति का, तो उसमें आमतौर पर पारे का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें उच्च तरलता होती है, उच्च सघनता होती है, उच्च चालकता होती है या उच्च विशिष्ट ऊष्मा होती है। तो थर्मामीटर में आमतौर पर पारे का प्रयोग किया जाता है क्योंकि उसमें उच्च चालकता होती है, उच्च चालकता होती है उसमें। जब बर्फ को 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो जल का आयतन क्या होता है? आप जानते हैं 4 डिग्री सेल्सियस पर घन जो बर्फ होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी होता है उसका घनत्व जो होगा अधिकतम होगा और आयतन जो होगा न्यूनतम होगा। तो जीरो से 10 डिग्री सेल्सियस पर अगर कोई बर्फ गर्म किया जाता है तो पहले घनत्व अधिक होगा फिर कम होगा। रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं। ऑप्शन देखिए इसमें, इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं, इसके न्यून तापमान पर रोगाणु मर जाते हैं, इसके न्यून तापमान पर रोगाणु जम जाते हैं या खाद्य पदार्थों को रोगाणु रहित कर देते हैं। तो रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि उनके न्यून तापमान पर जीवाणु फफूंदी निष्क्रिय हो जाते हैं। शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है शरीर के तापों बनाए रखने के लिए। तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है। इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। ऑप्शन बी सी सही है इसमें। तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह सरलता से मिल जाता है। ऑप्शन बी, यह सस्ता और हानिकारक नहीं है। सी, इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है। डी, जल को गर्म करना आसान है। तो इसमें तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है। जल वाष्पीकृत नहीं होता है यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो, आर्द्रता 0 डिग्री सेल्सियस हो, आर्द्रता 100 डिग्री सेल्सियस हो या तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो। तो जल वाष्पीकृत नहीं होगा, कोई भी जल वाष्पीकृत नहीं होगा, वाष्प में नहीं बदलेगा यदि आर्द्रता 100 डिग्री सेल्सियस हो, 100% हो। यदि आर्द्रता 100% हो तो जल वाष्पीकृत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, यह सब सारे प्रश्न थे आप लोगों को के लिए और इस प्रश्न को अच्छे से देख लीजिए, यह किसी भी एक दूसरी परीक्षा के लिए बहुत अच्छे साबित होंगे आप सभी के लिए। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल से जुड़ जाइएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।